हेलो नमस्कार, मेरा नाम अनिल सक्रवाल और आप मेरे साथ हैं कक्षा 12 के सिलेबस में, जिसमें हमने डे 68 में हैं और मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो पार्ट अपना चल रहा है उसको हमने तीन क्लासेस हमारी हो चुकी है और आज फोर्थ क्लासेस उसका फोर्थ पार्ट कर रहे हैं। बायो सावर्ट्स की जो एप्लीकेशन है उनकी बात कर रहे थे। एक एप्लीकेशन हमने कर लिया था कि सीधा धारावाही चालक तार है उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र का जो मान है वो कितना होगा, तो हमने देखा था उसमें सीधी जो डिस्टेंस है स्ट्रेट डिस्टेंस उस पर डिपेंड करती है वैल्यू और उसको हमने सॉल्व कर लिया था। दो बातें जो की थी उसमें कि अनंत लंबाई दे दें या परिमित लंबाई दे दें, तो परिमित लंबाई दे दें cos थीटा 1 + cos थीटा 2 की जो फॉर्म है वो हमें उसके अंदर प्राप्त हो जाती है, सॉरी sin थीटा 1 + sin थीटा 2 की फॉर्म जो रिजल्ट में आती है वो प्राप्त हो जाती है। जब अनंत लंबाई का दे रखा है तो उसमें मैक्सिमम कंडीशन लगा सकते हैं कि थीटा जो है वो ऊपर की तरफ भी 90 हो सकता है, नीचे की तरफ भी 90 हो सकता है, उस कंडीशन में वैल्यू क्या होगी साइन 90 प्लस साइन 90 जो 1 प्लस 1 2 आगे सोल्व हो जाएगा, वो हम पिछले क्लास में कर चुके हैं, उसके लिए आप डे 67 की वीडियो देख लें। अब इसका सेकेंड एप्लीकेशन जो है वो है वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण उसके अंदर पर चुंबकीय क्षेत्र। पहले हमने क्या लिए है? देखो इसमें हम सब में केवल क्या करेंगे, स्ट्रक्चर चेंज करेंगे उसके अकॉर्डिंग, मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो किस पॉइंट पे सोल्व कर रहे हैं वो चेंज हो जाएगी, उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या लेना कैलकुलेशन लेनी। बायो सावर्ट लॉ के जो एप्लीकेशन है तो बायो सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग इसको हम क्या करेंगे सोल्व करेंगे, जैसा हमें क्वेश्चन में कह दिया जाएगा वैसे हम इसको एज्यूम कर लेंगे। क्वेश्चन पैटर्न जो इसका लॉन्ग क्वेश्चन में आता है सेम रहेगा। सबसे पहली बात ये पूछी जाएगी हमेशा कि बायो सावर्ट लॉ क्या है, तो आप शॉर्ट में बता सकते हैं इसके कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र में ज्ञात कर सकते हैं जिसकी वैल्यू db = μ0 / 4π आइडियल sin थीटा / r² होती है। उसके बाद में आप एक प्रूफ पूछा जाएगा, वो प्रूफ जो इसके एप्लीकेशन से हम उनमें से कोई भी लिया जा सकते हैं। सीधे धारावाही चालक तार के कारण हम कर चुके हैं, दूसरी बात कर रहे हैं वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण, तो अगर वायर जो बात वही है करंट कह रहे कंडक्टर ही है उसको क्या करें उसको सर्कुलर पाथ पे मोड़ दे टर्न कर दे उसको, तो वृत्ताकार पार्ट बन गया वो। अब उसके कारण क्या होगा डायग्राम बना लेते हैं, जैसे ये वृत्ताकार भाग हो गया कोई, इधर से धारा प्रवाहित हो रही है करंट फ्लो हो रहा है आई, ये इसका सेंटर है ओ, ये इसकी त्रिज्या है आर, आर मान लो ए मान लो कुछ ही मान लो, ऐसे धारा करंट फ्लो है वो हम पहले कर चुके थंब रूल से, ये करंट की डायरेक्शन होगी चुंबकीय क्षेत्र इधर से अंदर जाएगा इधर से बाहर आएगा, यहां आ जाएगी करंट की डायरेक्शन ये हो जाएगी, ये करंट की डायरेक्शन हो गई इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र अंदर से बाहर की ओर, इधर जाएंगे तो अंदर से बाहर की ओर, यानी सब तरफ का जो इफेक्ट है चुंबकीय क्षेत्र का इफेक्ट है किस पॉइंट पे जा रहे हैं सेंटर पॉइंट पे जा रहे हैं, इसलिए हम सेंटर पॉइंट को सॉल्व करते हैं इसके अंदर। अब देखो इसमें है तो वही करंट कैरिंग कंडक्टर ही है चालक ही है, उसको क्या कर दिया सर्कुलर पाथ पर मोड़ दिया, मोड़ दिया तो सारे सब तरफ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो रहा है वो हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज होके और किधर से आ रहा है इधर से जा रहा है और अंदर से सेंटर की तरफ से बाहर आ रहा है। अब अपने इसमें वो बायो सावर्ट्स लॉ अप्लाई करेंगे, यहां हम कोई स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं कि BL है। अब इसका जो एलिमेंट है वो स्ट्रेट वायर नहीं है, अब ये सर्कुलर हो गया तो जब हम इंटीग्रेशन करेंगे टोटल वैल्यू लेंगे अगर एल के रिस्पेक्ट में लें तो ऐसे छोटे एलिमेंट जो ले रहे हैं हम स्मॉल अल्पांश ले रहे हैं, ये अल्पांश अगर इतने सभी पार्ट में लें तो टोटल करेंगे तो टोटल क्या हो जाएगा टोटल इसकी परिधि हो जाएगी सर्कमफेरेंस जो क्या होगी 2π r, यानी अगर थोड़ा थोड़ा करके पूरी वायर को लेंगे तो पूरी वायर की सर्कमफेरेंस काम में आएगी और उसकी जो वैल्यू वो क्या हो जाएगी 2π r। तो इंटीग्रेशन में मोस्टली हमें ज्यादा दिक्कत इसलिए नहीं आएगी बायो वाले बच्चों में भी, हम क्या करेंगे
ज्यादातर हम सब्जेक्ट क्या यूज करेंगे, स्ट्रक्चर यूज करेंगे। जैसे गॉसियस लॉ में भी हमने किया था कि सरफेस के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो वह हमने देख लिया कि गोलाकार सरफेस है तो सरफेस है, सरफेस क्षेत्रफल होता है तो क्षेत्रफल जो है वो गोले का क्या होता है 4πr² अपने क्या लगा देंगे 4πr² उसकी वैल्यू हो जाएगी। वैसे जब लेंथ के अकॉर्डिंग ले रहे हैं टोटल वैल्यू, तो एल हो जाएगा टोटल इंटीग्रेशन जो हमने लिया था सीधी तार के कारण विद्युत क्षेत्र। वैसे यहां पर भी वही बात है, जब इंटीग्रेशन की बात आएगी तो आप पहले तब स्ट्रक्चर देख लें, ज्यादा उसमें दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करें यहां अल्पांश की, तो किसी भी पॉइंट पर अल्पांश जो होता है अगर सर्कुलर पाथ होता है तो उस पर जो खींची गई स्पर्श रेखा है वो इसकी डायरेक्शन को शो करती है। ये बात हमें इलेक्ट्रिक फील्ड में भी कर चुके हैं और मैग्नेटिक फील्ड में नेक्स्ट चैप्टर में फिर करेंगे। तो अगर पाथ सर्कुलर पाथ है, कोई भी पॉइंट ले उस पर डायरेक्शन अगर लेंगे किसी कोई पॉइंट पर, तो डायरेक्शन उस पॉइंट पर क्या ले लें, स्पर्श रेखा। तो यहां डीएल की डायरेक्शन स्पर्श रेखा ही आएगी। अब अपने बायो सावर्ट लॉ लगा दें इसके अंदर, बायो सावर्ट लॉ। देखो क्या लेकर चलना है अपने को, थोड़ा सा एक दो लाइन, जैसे हम पॉइंट्स तो सिंबल्स जो ले रहे हैं उसके बारे में बता दें कि माना आप त्रिज्या की एक वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली है जिसमें आई धारा प्रवाहित की गई है, हमें इसके सेंटर पर इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। DB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4π आईडीएल साइन थीटा अपॉन r². अब थीटा को बताया था कि अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखे तो आर कैप लिख सकते हैं, आर कैप को लिखेंगे तो आर वेक्टर अपॉन मोड ऑफ आर ले सकते हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। आपको ये ध्यान रखना है कि थीटा किसके बीच में, हमेशा डीएल और आर के बीच में। अब देखो थीटा के बिल्कुल क्लियरली आपको दिखाई दे रहे हैं कि हमने डीएल की जो डायरेक्शन है वो क्या होती है, हमेशा स्पर्श रेखा होती है। तो ये तो आगे डीएल की डायरेक्शन, ये डीएल, ये आर है, आर और डीएल के बीच में जो थीटा है वो कितना है 90 डिग्री है, तो थीटा की जो वैल्यू है वो कितने आ गई 90 डिग्री। तो यहां सबसे पहली बात, तो यहां थीटा इज इक्वल टू कितना है 90 है, डायग्राम में दिखाई दे रहा है, अलग से कोई थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है। तो साइन 90 इज इक्वल टू क्या हो जाता है 1 हो जाता है। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं, बाय इक्वेशन फर्स्ट डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4π आईडीएल अपॉन r² r² क्या होती है, वो दूरी होती है जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, कहां से जहां से अल्पांश हमने लिया है उस अल्पांश से उतनी दूरी पर। तो अल्पांश हमने यहां से लिया है, ये लिया है dl, यहां से दूरी कितनी है r है, इसलिए ये नहीं है कि r अलग है रेडियस अलग है, यहां जो रेडियस है वही r का काम कर रही है, यानी r का मतलब डिस्टेंस जहां हमें मैग्नेटिक फील्ड सोल्व करना है उस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो आर लेते हैं, या हमने रेडियस को भी क्या मान लिया, अगर हम रेडियस को ए मानेंगे तो ये डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी ए हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जहां हमें सोल्व करना है, हमें सेंटर पे सोल्व करना है, यहां से ये सेंटर की जो डिस्टेंस है वो क्या होती है, परिधि से सेंटर की जो दूरी है वो उसकी त्रिज्या ही होती है, कहीं पर भी देख लें। तो अगर ये अल्पांश अगर यहां होता तो भी वही बात होती है, यहां होता तो भी यहां होता तो सब जगह क्या लगेगी, डिस्टेंस सेम ही रहेगी। अब अपने क्या करना है, वो अपने इसका इंटीग्रेशन करने, समाकलन करने पर इंटीग्रेशन लेंगे तो ये तो कुल इंटीग्रेशन मतलब टोटल वैल्यू होती है, बी हो गया इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4π और आईडीएल अपॉन r². अब आर तो देखो सब जगह कॉन्स्टेंट रहेगा, किधर से भी लें, ठीक है, इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में, वैसे आप ध्यान रखें तो डी जिसके साथ लगा, डी जिसके साथ लगा, इसका मतलब उसका चेंज है, तो उसकी टोटल वैल्यू अपने निकालेंगे।
तो इसकी टोटल वैल्यू कैसे निकालेंगे? आई का कोई रोल नहीं है, आर एस का कोई रोल नहीं, इनको आप बाहर ले सकते हैं। इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई अपॉन आर एस के डीएल। अब देखो डीएल के लिए वैसे तो डीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा, एल होगा, एल होगा टोटल वैल्यू। लेकिन आप यहां से देख लें, स्ट्रक्चर देख लें, सबसे पहले इंटीग्रेशन में दिक्कत नहीं आएगी कि हमने ये जो स्मॉल एलिमेंट है डीएल यहां लिया है, यहां लेते पूरा लेते तो क्या होता, पूरा वायर होता। पूरा वायर कौन सा पाथ है? सर्कुलर पाथ है। सर्कुलर पाथ की क्या होती है? सर्कमफेरेंस होती है, परिधि होती है। तो परिधि होती है, इसका मतलब कुल वैल्यू किसके बराबर होगी? इसकी परिधि के बराबर होगी। और परिधि क्या है इसकी? 2πr है। तो यहां से यहां लिख देता हूं मैं, इधर अलग से लिखे तो लिखने डीएल का इंटीग्रेशन वो क्या हो गया 2πr। v इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4πi अपॉन r स्क्वायर, और इसकी जगह क्या रख दें 2πr। r से r कैंसिल हो गया, पाई से पाई भी कैंसिल कर दो और ये 2π कैंसिल कर दो। तो b की जो वैल्यू है वो क्या आ गई? b इज इक्वल टू आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ये वैल्यू आ गई चुंबकीय क्षेत्र की। एक बात हमने पहले भी रखी थी जब पिछला हमने एप्लीकेशन किया था उसमें भी, और ये पूरे चैप्टर में ये अप्लाई होगी ये बात, और हम इसको बार बार नहीं लिखेंगे। बात क्या है कि अगर आपको नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हो किसी भी, चाहे वो वायर स्ट्रेट हो, आगे हम पढ़ेंगे भी सिलेंड्रिकल भी हो सकता है, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे, एम्पियर फ्लो पढ़ेंगे, टोरॉइड सोलेनोइड परिनालिका, ये सब की स्ट्रक्चर की बात करेंगे। दूसरा जैसे हमने सर्कुलर पाथ लिए हैं, तो इनमें क्या है, वायर अगर और लपेट दी जाए इनके ऊपर, उनको फेरों की संख्या कहते हैं। एक वायर है जैसे ये, इसके ऊपर इस तरह से वायर लपेट दी जाए तो नंबर ऑफ टर्न्स हो गए वो। तो जितने ज्यादा टर्न्स होंगे, जितने ज्यादा फेरे होंगे, उतने गुणा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ जाएगी। ये बात सभी जगह कॉमन रूप से अप्लाई होगी। तो क्वेश्चन में अगर दे रखे हैं, नहीं दे रखे हैं फॉर्मूले में, आप उसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो ये बात सब में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स का गुणा हो जाएगा। नंबर ऑफ टर्न्स इज इक्वल टू कैपिटल एन, इसे कहते हैं फेरों की संख्या, ध्यान रखें हिंदी में फेरों की संख्या, ये वो वाले फेरे नहीं है। इनमें जो संख्या दी जाएगी वो 2000 5000 इस तरह दी जाएगी, ठीक है। तो यहां n से मल्टीप्लाई करते हैं, b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। तो ये फॉर्मूला लिख दें और ये लिख दें तो कोई डिफरेंस नहीं है। न्यूमेरिकल्स में थोड़ा सा जरूरत की जरूरत पड़ जाती है कि अगर आपको नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं, फेरों की संख्या दे रखी है, तो आप पे क्या करें उसके अकॉर्डिंग वैल्यू ले लें, एन से मल्टीप्लाई कर दें। और ये बात मैंने आपको बता दी, कॉमन रूप से हर जगह मैग्नेटिक फील्ड में हर जगह ये बात अप्लाई होगी। नंबर ऑफ टर्न्स हम यूज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आप अंडरस्टूड रखें इस बात को कि जब भी आपको वैल्यूज दे रखी है तो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड है वहां नंबर ऑफ टर्न्स से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो उतने गुणा वो वैल्यू बढ़ जाएगी। वैसे सभी में हम इसकी बात करेंगे। अब बात करते हैं इसके ग्राफ की, बी व आर में ग्राफ। ग्राफ में भी देखो कुछ जगह हम जल्दी जल्दी में ध्यान भी देते हैं, नहीं बढ़ाते हैं, इसलिए मैंने आपको क्या था शुरू में 10-15 क्लासेस में आप थोड़ा सा हैबिचुअल हो जाएंगे लिखने का, समझने का, पढ़ने का तरीका पता चल जाए, तो उसके बाद फिर इतनी ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि कुछ चीजें कॉमन रहती है सभी में। जैसे मात्र हम कुछ नई राशि आ जाती है नहीं लिखते हैं, तो आप फॉर्मूले से निकाल लें उसे मात्र को। दूसरी बात विमा सभी में, अब हम निकाल ही नहीं रहे विमा किसी में भी, शुरू में एक दो टॉपिक में हमने सोल्व की थी, तो विमा आप आदत डाल लें वो भी सोल्व कर लें। तीसरी बात ग्राफ, जब हमने कोई रिलेशन निकाल लिया है तो वहां तो किसी न किसी वैल्यू के साथ उसका रिलेशन है वहां, तो वो या समानुपाती होगी, व्युत्क्रमानुपाती होगी, स्फीयर की व्युत्क्रमानुपाती हो सकती है, कैसा भी रिजल्ट उसका आ सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग उसके जो ग्राफ है जो उसका वो आप बना सकते हैं। तो बी व आर में अगर ग्राफ बनाए
बी क्या मैग्नेटिक फील्ड है, आर क्या रेडियस है, ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कुलर कॉइल। तो यहां इधर हम आर ले लें, इधर क्या ले लें, बी ले लें। तो क्या क्या हो रहा है, यहां से क्या दिखाई दे रहा है, बी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। व्युत्क्रमानुपात म्यू नॉट दे कांस्टेंट वैल्यू है, नंबर ऑफ टर्न्स फेज ऑफ संख्या जितने हैं उतने ही रहेंगे, आई करंट जितना फ्लो है उतना ही कांस्टेंट है, टू नंबर है कांस्टेंट है, तो किस पे डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस पे। इसका मतलब क्या हुआ, अगर बड़ा रेडियस ले अपने यानी वायर अपने पास जितना है उसके अकॉर्डिंग अगर बड़ा सर्कल बनाते हैं तो फिर सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये नहीं है कि लेंथ ज्यादा हो गई तो वैल्यू बढ़ेगी, यहां क्या होगा अगर लेंथ बढ़ा दी इसका मतलब हम उसकी सर्कमफेरेंस उसकी जो परिधि है वो बढ़ जाएगी और इसका मतलब सेंटर से दूर हो जाएगा। और वैसे हमें पता है कि क्या कैसे होता है मैग्नेटिक फील्ड, इस तरह से होता है, अगर आप इसके बिल्कुल पास में तो डिस्टेंस कम है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट कम आएगा और इसीलिए स्ट्रेट डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। यहां है तो ये क्या होगा, ये पॉइंट दूर होगा तो यहां तक दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होगा और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम हो जाएगी। तो इसी तरह से अगर मान लो बड़ा सर्कल बन रहा है तो अगर यहां यहां उसकी परिधि है तो यहां से यहां तक आएगा तो इतनी डिस्टेंस दूर हो जाएगा और दूरी जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम होती रहेगी। इसलिए इस यहां चुंबकीय क्षेत्र का मान, देखो ऐसे रिलेशन पूछ लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में, इसलिए सभी के जो रिजल्ट रिलेशन है वो आपको जरूर पता होना चाहिए, दो चीजें काम आएगी, शॉर्ट क्वेश्चन के कंसेप्ट सारे क्लियर होंगे, दूसरी बात न्यूमेरिकल्स जो है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। अब जैसे इसमें से न्यूमेरिकल आए तो सीधा सा दिया जाए, किसी वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली में 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है और इसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है या 20 सेंटीमीटर है तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। तो एम के इसका ध्यान रखें, अगर यूनिट सिस्टम ऐसा दे रखा है तो चेंज कर ले उसको और फिर क्या करना है, वैल्यू पुट कर दो 4π × 10⁻⁷ आई की वैल्यू लग दो एम्पियर में दे रखी है, सेंटीमीटर में दे रखी तो मीटर में चेंज करके आर की वैल्यू लग दो 2 और ये कह दे नंबर ऑफ टर्न्स जो फेरों की संख्या 500 है तो फिर वो 500 से और मल्टीप्लाई कर दे। इस बात का आप जरूर ध्यान रख लें, ये बात भी हम बार बार में शायद नहीं लिखेंगे, ध्यान नहीं रहेगी तो आप इसे अंडरस्टूड समझे, जहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड हमने जहां पर भी निकाल लिया कहीं पर भी तो उसके अंदर आप क्या करो नंबर ऑफ टर्न्स का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अब इसके ग्राफ की बात कर रहे थे अपने, बी और आर क्या है, बी आर के व्युत्क्रमानुपात है तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे कम हो जाएगी। ऐसे ग्राफ में आपको ध्यान रखना, पहले बात कर चुके हैं फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर में भी इलेक्ट्रिक फील्ड की जब बातें की थी तब भी कि ये जो ग्राफ है वो क्या एक्सिस को कभी भी टच नहीं होना चाहिए वरना ये ग्राफ पूरा गलत हो जाता है और इसके नंबर नहीं मिलते हैं। क्योंकि देखो यहां से दिखाई दे रहा है कि ये दूरी के व्युत्क्रमानुपात है, दूरी जैसे जैसे बढ़ेगी बी का मान कम होता रहेगा, लेकिन बी का मान 0 कब होगा, जब दूरी अनंत होगी। तो अनंत तो कॉपी पर पेज पर बोर्ड पर अपने बना ही नहीं सकते अनंत, तो यानी मिलेगी कहां पर, अनंत पर जाकर, ठीक है, अनंत तो कोई लिमिट नहीं है। इसीलिए आप इसके नजदीक लाके इसको पैरेलल टू एक्स एक्सिस कर सकते हैं, लेकिन ये इसको टच नहीं करनी चाहिए, मैक्सिमम पॉइंट टच कर सकते हैं कि कहां से शुरू हो रहा है अधिकतम कहां है, न्यूनतम जो है वो इसका धीरे धीरे कम होते इनफाइनाइट पे होगा। तो ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए ग्राफ थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ग्राफ वाली बातें जो होती है वो कॉमन अप्लाई होती है, जैसे भी ऐसा दूरी के व्युत्क्रमानुपात कई ग्राफ आ गए हैं, विभव भी हमने पढ़ा था, वी इज इक्वल टू के क्यू आर, वहां भी हमने ग्राफ बनाया। तो अगर आप ये कहते हैं कि बी वे 1/r में ग्राफ बनाइए, बी में 1/r में, इसका मतलब यहां तो क्या वन अलग डिजिट है आर अलग डिजिट है, इसका मतलब क्या हुआ 1/r इज अ सिंगल यूनिट सिस्टम, एक ही इकाई है वो, एक ही इकाई का मतलब एक ही वैल्यू है वो, अलग वन अलग नहीं है वहां। इसका मतलब वी कैन से 1/r इज इक्वल टू एक्स, इसको एक्स एक्सम कर सकते हैं। तो अब क्या हुआ अगर इस पूरे को एक्स मान लें, इस पूरे को एक्स मान लें तो यहां लिखते हैं एक्स, समझने के लिए अगली बात एक्स। अब क्या कहेंगे, अब हम कहेंगे कि व्युत्क्रमानुपात है, अब हम कहेंगे बी एक्स के समानुपाती, ये बात आप ध्यान रखें। तो यहां
अगर हम ऐसे लिख रहे हैं बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन आर। अब आप क्या ले रहे हैं, आर नहीं ले रहे हैं, हम इसको पहले से बोल रहे हैं वन अपॉन आर, यानी वन को साथ लेकर चल रहे हैं, तो हम ये कहेंगे बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन आर। सिंगल आर की बात करें तो हम कहेंगे वी बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, तो हम वन वर्ड का यूज नहीं करेंगे, तो वन अपॉन आर कह रहे हैं इसका मतलब दिस इज अ सिंगल वैल्यू वन अपॉन आर एंड बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन आर। अब इसका ग्राफ कैसे आएगा, अब तो समान बात जो गाइस है, मतलब दूरी में आर की वैल्यू नहीं है, दूरी में वन अपॉन आर की वैल्यू है, तो ग्राफ आएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये बात ध्यान रखें, ऐसा ग्राफ अगर पूछ लें तो फिर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये ग्राफ आएगा। आगे वो समझे, इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हैं, ये इसका सेकंड एप्लीकेशन हो गया है। न्यूमेरिकल से इनमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, बाद में एक साथ ही कर लेंगे कुछ न्यूमेरिकल सभी के एक एक दो दो, और बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल रहते हैं जैसे आगे कुछ के अंदर।